हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये HP टेट का बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी और फिजिक्स का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो करवा रही हूँ। तो फिलहाल तो आज ये हमारी साइकोलॉजी की जो ये क्लास रहेगी, वो इसका जो टॉपिक है वो रहेगा मोटिवेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है कि इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और बैच में एनरोल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करिएगा। उसके बाद आपको जो है बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नंबर है 9459802085। आप सभी जानते हो कि ये जो HP टेट का बैच है, इसमें आपको सभी की सभी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जैसे मैथ हो गया, आपका ये साइकोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो मतलब एक प्रॉपर बैच जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये जो सारा बैच है, इस अगर बैच की मैं फ़ीस की बात करूँ तो ये आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है 2000, यानी कि 1999 में, अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ में आपको ये जो पूरा बैच है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो दी जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यहाँ से। जैसे आप देख सकते हो, जो मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, तो मतलब एक तरह से एक ये फुल बैच है, मतलब ये फुल कोर्स है। आपको सभी की सभी क्लासेस जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी जो ये बैच है नीव इंस्टीट्यूट का, इसको ज्वाइन कीजिए और आप हमारे साथ जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा अपने जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो आज का जो हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर रहेगा वो रहेगा मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन से तो आप सभी ही परिचित होंगे। मोटिवेशन वर्ड से हम कहते हैं कि हमें किसी काम को करने के लिए क्या मोटिवेट रहना चाहिए, हमें खुद को भी मोटिवेट रखना चाहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखना चाहिए। एज अ टीचर, जब आप टीचर बनोगे तब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको खुद तो मोटिवेट रहना ही पड़ेगा, साथ में जो बच्चे होंगे, जो क्लास में बच्चे होंगे, उनको भी मोटिवेट रखना पड़ेगा। मतलब जैसे जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको मोटिवेशन कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। मोटिवेशन दो टाइप की हो सकती है, कैसे, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल क्या होती है, बच्चे में खुद से ही होगी, इंटरनली अंदर से ही वो मोटिवेट होगा। एक्सटर्नली जो हम ये इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, ये हम आगे मोटिवेशन में जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन है ये कौन से ये ड्राइव्ड हुआ है, ये जो लैटिन वर्ड्स है, ये मोटिवेशन एक कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका कहाँ से मूवियर, कौन सा वर्ड है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड मूवियर से ये डिराइव्ड हुआ है मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है, टू मूव मतलब आगे बढ़ना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन से आपको मतलब अच्छे से पता लगेगा कि कैसे मतलब मोटिवेशन हम क्या समझ सकते हैं, कि मोटिवेशन है क्या चीज़। देखिए, मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड एज एन इंटरनल स्टेट। कौन सी स्टेट, इंटरनल स्टेट, दैट अराउजेज डायरेक्ट एंड मेंटेन अ गिवन बिहेवियर। जो भी व्यवहार हम किसी चीज़ को लेके करते हैं वो मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल स्टेट है, मतलब कि क्या ये हमारे अंदर से आती है, ये वो स्टेट है, ये वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार को, जो हम व्यवहार करते हैं उसको क्या करती है, अराउजेस करती है, कोई व्यवहार जिसको जागृत करती है, डायरेक्शन देती है, जो भी हम करते हैं डायरेक्शन देती है और मेंटेन रखती है। मेंटेन मतलब उस व्यवहार को करने की जो हमारी इच्छा है, या हाँ इच्छा ही बोलेंगे, यानी मेंटेन रखती है उस व्यवहार को। तो मोटिवेशन क्या है, एक ऐसी स्टेट जो हमारे व्यवहार को क्या करती है, जागृत करती है, डायरेक्शन एक दिशा देती है और मेंटेन रखती है किसी एक हमारे व्यवहार को। व्यवहार यानी कि कुछ भी जब हम कर रहे होते हैं।
एक और अगर डेफिनेशन से हम समझे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे भी क्या बात की गई है, इंटरनल एनर्जी, जो आपकी आंतरिक एनर्जी होती है, यानी कि आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, विच डिराइव अ पर्सन टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी इंटरनल प्रोसेस जो किसी पर्सन को क्या करे, जो किसी पर्सन को एक व्यवहार में बनाए रखे, एक कार्य करने की जो वो कार्य कर सकता है उसमें उसको बनाए रखे, यानी कि टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए उस व्यवहार में उसको बनाए रखे, वो होती है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आते हैं। आस्पेक्ट क्या होते हैं, थ्री इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं हमारे पास मोटिवेशन में, कौन कौन से, फर्स्ट है नीड, सेकंड है ड्राइव, थर्ड है इंसेंटिव। अब सबसे पहले हम मोटिवेट होते क्यों हैं, हम किसी चीज़ को लेके, चाहे वो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे आप किसी और चीज़ के लिए मोटिवेट हो, तो वो होते क्यों हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास नीड, आवश्यकता। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब हम किसी चीज़ के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। यानी कि नीड क्या करती है, नीड एक टाइप से आपकी जो मोटिवेशन है उसको जनरेट करती है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी, जब तक हमें भूख नहीं लगेगी, मतलब हमें आवश्यकता ही नहीं है खाना खाने की, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे खाना खाने के लिए, नहीं हो सकते। जब तक आपको नीड ही नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्लियर करूं, मान लो आप कुछ और कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, तो आप क्यों करोगे, क्यों आप मोटिवेट होंगे, क्यों आप उस प्रोसेस को करोगे, प्रोसेस का मतलब है क्यों आप अपनी तैयारी करोगे, नहीं करोगे। तो सबसे पहले क्या है, नीड होना ज़रूरी है। नीड क्या है, अब इस नीड वर्ड को ही क्या रिप्लेस कर दिया जाता है कभी कभी, किससे, मोटिवेशन से। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मोटिवेशन जो वर्ड है, जो मोटिवेशन वर्ड है, अगर उसको रिप्लेस करना हो तो किस वर्ड से करेंगे, तो उसको कर दिया जाता है नीड से। नीड यानी आवश्यकता, ये बात होगी नीड की। नीड भी हमारे पास कितनी, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, बायोलॉजिकल नीड और सोशियोजेनिक नीड। कौन कौन सी, एक हमारी बायोलॉजिकल नीड और एक हमारी सोशियोजेनिक नीड। बायोलॉजिकल नीड का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल नीड को दूसरा नाम है प्राइमरी नीड। कौन सी, प्राइमरी नीड। और सोशियोजेनिक का मतलब है सेकेंडरी नीड, यानी कि बायोलॉजिकल नीड ऐसी नीड्स जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, और सेकेंडरी नीड्स वो जो हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, या जो हमें सोसाइटी से, जो हमें मतलब प्राइमरी से जो दूसरी वाली नीड्स होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स या फिर प्राइमरी नीड्स में कौन कौन सी नीड्स आएंगी, मतलब आपको आवश्यकता किस किस चीज़ की पड़ेगी। अभी तो आपने मोटिवेट होना है ना, पर पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, नीड के बारे में, कि आपको मोटिवेट होना क्यों है, आवश्यकता किस किस चीज़ की पड़ेगी। तो आवश्यकता में भी हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, एक होती है हमारे पास बायोलॉजिकल और एक होती है सोशियोजेनिक। तो जो बायोलॉजिकल नीड है वो कौन कौन सी होती हैं, स्लीप, थर्स्ट, हंगर, ये सब कौन सी नीड्स हैं, ये बायोलॉजिकल नीड्स हैं, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। आप एक दिन बिना खाए रह सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि आप पूरी लाइफ ही बिना खाए रह सकते हो, नहीं। तो ये कौन सी नीड्स हैं बायोलॉजिकल, जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी आगे की डेवलपमेंट या आगे की प्रोसेस के लिए, ये नीड्स होती हैं प्राइमरी नीड्स। अगर ये फुलफिल नहीं होंगी, ये प्राइमरी नीड्स हमारी फुलफिल नहीं होंगी, ये वाली आवश्यकताएं अगर फुलफिल नहीं होंगी, तो ये जो सेकेंडरी नीड्स हैं इनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब, जब तक रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तब तक हम जो है नेक्स्ट वाली नीड्स के बारे में नहीं, जब तक पेट में रोटी नहीं होगी हम नेक्स्ट वाली नीड्स यानी जो सेकेंडरी नीड्स हैं उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं। सेकेंडरी नीड्स क्या होती हैं, जैसे
पैसा कमाना, स्टेटस बनाना, समाज में रिस्पेक्ट अर्न करना समाज में, तो ये कौन सी हैं? ये सेकेंडरी नीड्स में आता है। जब तक हमारा जो हमारा पेट ही भरा नहीं होगा तो हम कौन सी मनी के बारे में सोचेंगे, कौन सी स्टेटस के बारे में सोचेंगे, कौन सी रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, नहीं सोच पाएंगे। तो ये क्या है कि बायोलॉजिकल नीड्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो बात आ गई हमारे पास नीड्स की, कि सबसे पहले क्या है, मोटिवेट होने के लिए नीड की आवश्यकता होती है। नीड यानी कि आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता। जब तक नीड नहीं होगी हम मोटिवेट नहीं होंगे। सेकंड है हमारे पास ड्राइव। ड्राइव को हिंदी में बोलते हैं प्रणोद। प्रणोद यानी कि ड्राइव, यानी चालक का काम करती है। अब हमें नीड हो गई हमें नीड की, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, हमें एग्ज़ाम पास करना है, तो क्या नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है ड्राइव। मतलब कीप यू एक्टिवेटेड, कीप मतलब आपको अब ड्राइव, एक चालक की तरह आपको क्या होगा, आप में एक एनर्जी आएगी, आप आगे बढ़ेंगे, ड्राइव होंगे, क्या होंगे, आप आगे की ओर बढ़ेंगे, एक प्रणोद की तरह आप आगे बढ़ोगे। कीप यू एक्टिवेटेड, आप उस काम को करने के लिए जागृत हो जाओगे, आप उस काम को करने के लिए कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि अब आपको पता है आपको नीड मिल गई, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको आवश्यकता है एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ये चालक, ये ड्राइव का क्या काम है, आप उस बारे में सोचना स्टार्ट करोगे कि मैं कैसे जो है वो अपनी जो तैयारी है वो शुरू करूं, क्या मैं वीडियोस देखूं, क्या मैं ऑफलाइन पढूं। यानी आपको एक चालक का काम करेगा ड्राइव। थर्ड आता है हमारे पास इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है रिवॉर्ड आफ्टर योर बिहेवियर। इंसेंटिव जैसे बोलते हैं, इंसेंटिव मिला है मतलब कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इन द सेंस आप टेस्ट जो है वो क्लियर कर लोगे, आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो एक तरह से क्या है वो आपके लिए रिवॉर्ड है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये तीन कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक है नीड, सेकेंड है ड्राइव, थर्ड है इंसेंटिव। यानी कि ये तीन हैं जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसके लिए, किसी पर्सन को मोटिवेट होने के लिए। इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये नीड, देन ड्राइव, देन इंसेंटिव। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं मोटिवेशन के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन। अब मैंने पहले जब स्टार्टिंग की अपने टॉपिक की तभी बोला मोटिवेशन क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट इन द सेंस दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास इंटरनल मोटिवेशन और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। कौन कौन सी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल को ही क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं, और एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। यानी कि ये जो इंटरनल मोटिवेशन होती है ये अंदर से आती है, अंदर से मतलब कि ये एक्शन बेस्ड होती है। एक्शन बेस्ड होने का मतलब है हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें इस काम को करने के बाद क्या लाभ होगा। यानी ये हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। इंटरनली मोटिवेटेड का मतलब है ये एक्शन बेस्ड होती है, हमें मतलब उस काम को करने से हमें खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि उस काम को करने के लिए हमें रिवॉर्ड दिया जाए, हमें कोई ट्रॉफी दी जाए, नहीं, उस काम को करने के लिए अंदर से खुशी मिलती है तो वो होती है इंटरनल मोटिवेशन। जब हम इंटरनली अंदर से मोटिवेट होते हैं तो हर काम को हम क्या करते हैं, अच्छा कर पाते हैं। हालांकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि हम जब जो मोटिवेशन है जो बाहर से मिले, कौन सी, जो बाहर से मिले, जो रिवॉर्ड के लिए हो, कि कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए जब हम मोटिवेट होते हैं वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब देखिए ये जो एक्शन बेस्ड मोटिवेशन है यानी क्रिया करके, यानी काम करके हमें खुशी मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में होते हैं लेकिन वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, यानी कि वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उन्हें क्या होता है कि अगर उन्हें कोई कुछ बोलेगा कि हाँ आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी दे दी जाएगी, आपको बोनस दिया जाएगा,
तब वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं अब अच्छा काम करूँगा। वो हुई एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन जो आदमी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, मतलब वो खुशी खुशी, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे बोनस मिलेगा, मुझे पे मिलेगी, हालांकि वो है कि उसे जो पे मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन वो क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड है, अंदर से सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। जॉब कोई भी हो सकती है, चाहे ये टीचिंग हो सकती है, चाहे कोई भी जॉब। तो मतलब जब अंदर से हम मोटिवेटेड होते हैं, उस मोटिवेशन को हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। ये होती है एक्शन बेस्ड। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है जॉब सेटिस्फेक्शन, जब जॉब की सेटिस्फेक्शन हो, या कोई भी एग्जांपल ले लो आप और अदर, कि जब आप सेटिस्फाइड हो अपने काम से, आपको इंटरनली खुशी मिले उस काम को करने के लिए, करने से, तो वो कौन सी होती है, इंटरनल मोटिवेशन। और जब कोई बाहर से आपको मोटिवेट करे कि आप ये करो तो आपको ये वाला इनाम मिलेगा या ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो इंटरनल होता है, अंदर होता है। जो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है, जो हम अंदर से अपना, मतलब हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, तो कंट्रोल कहाँ होगा, इंटरनल होगा, अंदर होगा। और यहाँ पे जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी बाहर से हमें कोई मोटिवेट करता है। जैसे होता है ना, पढ़ने के लिए हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, तब हमें थोड़ा सा ये होगा कि चलो हाँ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई कैसे होते हैं, उनको मोटिवेशन वीडियोस की क्या ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है और कैसे करना है, उन्हें वो प्रोसेस पता होती है। और कई तो क्या करते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते देखते ही 1, 2, 3, 4 घंटे लगा देते हैं और उसी में टाइम चला जाता है। तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो बाहर से मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई मोटिवेट करे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे अचीव करने के लिए, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इंटरनल मोटिवेशन और ये आ गई हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन को हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी कंसिडर करते हैं और एक्सटर्नल को हम नेगेटिव जो मोटिवेशन है उसमें भी कंसिडर करते हैं, यानी मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हालांकि आपकी जो एक्सटर्नल है वहाँ भी आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये रिवॉर्ड बेस्ड होती है। जो एक्सटर्नल है आपकी वो रिवॉर्ड पे बेस्ड है, तो क्या पॉजिटिव वहाँ भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही आए। लेकिन इसको किसके अंडर कंसिडर किया गया है, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन को कंसिडर किया गया है। अब ये वहाँ कैसे आ सकती है, हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको मतलब बोला गया हो कि अगर आप इस काम को करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो क्या होगा, हो सकता है आप उसमें बेहतर कर जाएं, हो सकता है आप उसमें कोई और अच्छा काम कर जाएं आगे, तो क्या वो पॉजिटिव मोटिवेशन हुई, एक टाइप से क्या हुई वो पॉजिटिव, लेकिन है क्या वो रिवॉर्ड बेस्ड है। ठीक है, और ये कौन सी होती है, जब कोई पर्सन क्या हो, इंटरनली मोटिवेटेड हो। और ये जो मोटिवेशन होती है ये लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि ये इंटरनली खुद से मोटिवेटेड हैं, इनको कोई मोटिवेट करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। ये जो इंटरनली मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, ये क्या होती है, इनके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। और ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होती है। जब आपको नहीं बोला जाएगा कि हाँ आप ये काम करो और आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो आप नहीं होंगे मोटिवेट। क्यों होंगे मोटिवेट, क्योंकि ये पर्सन कौन से हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले, कि ये जो होती है मोटिवेशन ये शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए होगी। अगर आपसे बात नहीं की जाएगी कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो आप नहीं वो काम करोगे, यानी कि ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। अब दो वर्ड आते हैं इनके अंदर, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन है, कौन से दो वर्ड्स हैं, एक है पुश और एक है पुल। ये पुश और पुल, ये जो दो वर्ड हैं, ये किसके द्वारा यूज़ किए गए हैं, जेम्स ए कोलमैन के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स ए कोलमैन के द्वारा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो पुश है ये किसके अंडर आएगा, ये आएगा आपका इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन के अंडर। पुश का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेटेड,
यानी सेल्फ अंदर से आपको क्या पुश मिल रहा है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप खुद को क्या रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रखें। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ये पुश रिलेटेड है इंट्रिंसिक से और पुल का मतलब है क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन, और इसका ये आता भी किसके अंडर है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है ये पुल वर्ड। एक पुश है एक पुल है, दिया किसके द्वारा है, जेम्स ए कोलमैन के द्वारा इसको दिया गया है। तो ये तो बात हुई किसकी, टाइप ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन कौन कौन सी टाइप की होती हैं, आपकी इंटरनल होती हैं और आपकी एक्सटर्नल होती है। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, वो एक्शन बेस्ड होती हैं। एक्शन बेस्ड मतलब वो ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं, काम करने पे देते हैं, उनको जिस काम में खुशी मिलती है वो उस काम को करते हैं, यानी इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। दूसरी तरफ आते हैं आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो रिवॉर्ड बेस्ड होते हैं, यानी उनको अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तब वो क्या काम करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। वो एक्सटर्नली जो आपको मोटिवेट करने वाले पर्सन होते हैं उन पे ये क्या डिपेंड करते हैं। ये होगी बात इंटरनल और एक्सटर्नल की। अब आगे हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन। अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन का मतलब है जो भी जैसे अप्रोचेस, जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, पढ़ा था कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ भी अप्रोचेस का मतलब आप यहाँ से ले सकते हो, जो डिफरेंट टाइप के आपके जो स्कूल थे उन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या बोला, यानी कि जो हमारा फर्स्ट था जैसे बिहेवियरिज्म था, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो इसमें कौन से आ जाएंगे, जो आपके व्यवहारवादी थे वो कौन कौन हो सकते हैं, जेवी वॉटसन हो सकते हैं, पेबलर हो सकते हैं, स्किनर हो सकते हैं, थॉर्नडाइक हो सकते हैं, जो बिहेवियरिज्म को क्या फॉलो करते हैं। तो वो क्या कहेंगे मोटिवेशन के बारे में क्या कहेंगे। अब ये क्या है, ये बिहेवियरिज्म है, यानी क्या व्यवहारवाद, व्यवहार की बात करते हैं, ये स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है किसकी बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, एक्सटर्नल मोटिवेशन की, रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन की। ये बोलते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो क्या एक्सट्रिंगली जो एक्सट्रिंसिक हमारे पास मोटिवेशन होती है उससे वो क्या मोटिवेट रहते हैं। इन्होंने बोला कि जो पर्सन है वो एक्सट्रीम टाइप का जो मोटिवेशन होगा उसमें पाया जाएगा, यानी जो भी पर्सन होगा वो रिवॉर्ड के लिए क्या काम करेगा, रिवॉर्ड के वो तभी मोटिवेट होगा जब उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इन्होंने इंटरनल की बात नहीं की। सेकंड आते हैं हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद, जो हमारे पास अप्रोच थी, ये मानवतावाद में कौन से आ जाएंगे आपके आएंगे वो मैस्लो, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो किससे रिलेटेड है आपकी मानवतावाद से। और ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं आपकी इंटरनल मोटिवेशन। ये बोलेंगे कि जो मोटिवेशन होती है वो आंतरिक होती है, बाह्य कुछ भी नहीं होती है, आंतरिक मोटिवेशन के बारे में इन्होंने बात की। थर्ड आता है आपका कॉग्निटिव अप्रोच, यानी आपके संज्ञान से रिलेटेड। अब संज्ञान से रिलेटेड है तो वो तो क्या होगी, वो इंटरनल ही होगी, यानी कि कौन सी मोटिवेशन होगी, इंटरनल मोटिवेशन ही होगी। यानी कि यहाँ पे हमने अप्रोचेस की बात की, ये मेन आपको कितनी तीन अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए कि जो अप्रोचेस हैं उन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा। अप्रोचेस यानी किसके अकॉर्डिंग, बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और कॉग्निटिव अप्रोच, इन्होंने जो मोटिवेशन था इसके बारे में क्या कहा। तो जो बिहेवियरिज्म थे वो बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में, जो ह्यूमनिज्म है और कॉग्निटिव विज्म जो लोग थे वो बात करते हैं आपकी इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोटिवेशन साइकिल के बारे में। मोटिवेशन साइकिल एक इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। आइए अब हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हैं मोटिवेशन साइकिल।
अब हम पढ़ते हैं अपना जो मोटिवेशन साइकिल है, किस तरह से जो मोटिवेशन मोटिवेट होता है एक पर्सन, उसके बारे में अब हम जानते हैं। देखते हैं यहाँ पे मोटिवेशन साइकिल, यहाँ से जो वो क्वेश्चन आते हैं कि मोटिवेशन साइकिल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मोटिवेशन साइकिल होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, मैंने पहले भी बताया, नीड, आवश्यकता होगी तभी कोई व्यक्ति क्या होगा, मोटिवेट होगा। यानी अगर आपको खाना खाने की आवश्यकता है तभी आप अगला काम करोगे, यदि आपको एग्ज़ाम पास करने की आवश्यकता है तभी आप अपनी अगली जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, नीड। देन उसके बाद आता है ड्राइव। ड्राइव यानी पहले बताया मैंने प्रनोद या चालक का काम, मतलब ये जो नीड है आपको क्या करेगी, आगे धक्का देगी। मतलब ये आवश्यकता, अब आपको एग्ज़ाम पास करने की आवश्यकता पड़ गई, अब आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो क्या अब आपको एक ड्राइव मिलेगा, एक धक्का मिलेगा, एक चालक की तरह ये ड्राइव क्या है, काम करेगी। अब ड्राइव हो गया, इसके बाद आता है अराउजल। अराउजल होती है आपकी जो एनर्जी, यानी कि एक जो काम करने की एनर्जी आप में जागृत होगी, एक अराउजल होगा, जागृत होगी, यानी कि एक एनर्जी की तरह आप इसे कंसीडर कर सकते हो। यानी कि अब आपको पता है कि अब आपको भूख लगी है तो आपको उठ के जाना है, खाना बनाना है, तो यानी एक एनर्जी, एक अराउजल आपके अंदर जागृत होगा। आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि अब मुझे इस ढंग से काम करना होगा। तो यानी सबसे पहले आवश्यकता हुई, फिर ड्राइव आई, देन एक अराउजल, एक एक्साइटमेंट, एक एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पे बनी कि हाँ मुझे ये काम करना है। देन इसके बाद आएगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप वैसा व्यवहार करने लगेंगे या आप एक ऐसी प्रोसेस तैयार करेंगे जिससे आपका क्या हो, गोल अचीव हो। आप एक पूरा प्लान बनाएंगे, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देंगे, गोल की तरफ जो आपको पाना है। अगर आपको खाना खाना है तो उसकी तरफ चलना जो है वो आप स्टार्ट कर दोगे, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो है वो आप स्टार्ट कर दोगे। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या, मतलब आपको खाना मिल गया, यानी आपने या तो खाना बनाया या तो रखा था और आप वहाँ तक पहुँच गए, यानी आपको अचीव कर लिया, आपने कोई चीज़ आपने अचीव कर ली, आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया, तो वो होती है आपके पास अचीवमेंट। देन उसके बाद आता है आपके पास रिडक्शन ऑफ अराउजल। जो एनर्जी थी, जो एक्साइटमेंट थी काम करने की, अब वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई, आपने जो वो एग्ज़ाम था, जो आपके अंदर एनर्जी थी उसको पास करने की, एक्साइटमेंट थी एक, वो क्या हो गया, अब पास हो गया, तो वो रिडक्शन होगी उस अराउजल की, उस एक्साइटमेंट की क्या होगी, रिडक्शन हो गई। देन फिर क्या होगा, फिर से कोई नीड आ जाएगी, फिर से कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगा, आपका कमीशन आ जाएगा, फिर से वैसे ही पूरा साइकिल चलेगा। तो ये क्या है, एक ये पूरा साइकिल होता है मोटिवेशन साइकिल। इस साइकिल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई जो पर्सन है वो कैसे मोटिवेट होता है। यानी सबसे पहले नीड, देन ड्राइव, देन अराउजल, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देन अचीवमेंट, और अचीवमेंट के बाद जो अराउजल था उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो ये हमारे पास जो साइकिल आया, इसको जो लर्न कर सकते हो आप इसके शॉर्ट फॉर्म से, जैसे NDA, N से नीड, D से ड्राइव, A से अराउजल और GAR, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, NDA, GAR, यानी आपको ये साइकिल इस तरह से लर्न हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी मोटिवेशन साइकिल की। देन अब हम देखते हैं जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, वो है अब्राहम मैस्लो की। ठीक है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं कि उस थ्योरी में आखिरकार दिया क्या है। तो उन्होंने बोला, जो अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने थ्योरी दी है सेल्फ एक्चुलाइजेशन थ्योरी, यानी आत्म सिद्धि की जो थ्योरी है वो उन्होंने दी है। इसे एक और नाम से बोलते हैं, हायरार्की ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकताओं का अनुक्रम। इस थ्योरी का नाम है आवश्यकताओं का अनुक्रम, या हायरार्की ऑफ नीड। किसके द्वारा दी गई है, अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये जो थ्योरी है वो दी गई है।
इन्होंने बेसिकली इस थ्योरी में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो मनुष्य की, जो मानव की, किसी पर्सन की जो नीड्स होती हैं वो हर एक लेवल पे क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वो क्या होती हैं, हर एक लेवल पे अलग अलग होती हैं। और ये जो नीड्स हैं ना, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, वो ही मनुष्य को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं, आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये जो लेवल दिए, इसमें इन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य हर एक लेवल में मोटिवेट होता है आगे के लिए, जो उसकी नीड है वो कैसे उसे आगे मोटिवेट करती हैं। तो फर्स्ट उन्होंने लेवल बताया, फर्स्ट था फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, आपकी शारीरिक जो मेन, जो आपकी मेन आवश्यकताएं हैं, इंपॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं, वो कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल नीड। अगर ये नीड पूरी नहीं होगी तो बाकी की नीड्स का कोई फायदा नहीं है, मतलब बाकी के बारे में आप सोच नहीं सकते। तो फिजियोलॉजिकल नीड क्या क्या होती हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड, स्लीप, शेल्टर, आपके क्लोथिंग, मतलब क्या, ये कौन सी नीड्स हैं, ये मतलब ये वाली नीड पूरी होना ज़रूरी है। आपको एयर मिलना ज़रूरी है, वाटर मिलना ज़रूरी है, फूड मिलना ज़रूरी है, प्रॉपर आपकी नींद मिलना ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी फंडामेंटल नीड्स हम इन्हें बोल सकते हैं। सेकंड जो इनका लेवल आता है, उसके फर्स्ट नीड के बाद सेकंड लेवल जो आता है वो आता है सेफ्टी नीड। पहले कौन सी आई, फिजियोलॉजिकल नीड यानी शारीरिक आवश्यकताएं, अब सेफ्टी नीड यानी जो सुरक्षा की एक आवश्यकता होती है, अब वो आएगी। अब आपको एयर, वाटर, फूड, वो क्या है, वो सब मिल गया, अब आपको महसूस होगा, अब नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या महसूस होगा, शेल्टर के लिए, सॉरी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज मुझे शेल्टर मिल गया तो मुझे कल भी शेल्टर मिल जाएगा, रहने के लिए, सोने के लिए जगह मिल जाएगी। तो वो क्या, सेफ्टी महसूस करता है नेक्स्ट वाले लेवल में। ये तो उसकी पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड अगर पूरी होगी तो नेक्स्ट वाले बारे में वो सोचेगा, और वो नीड्स क्या होंगी नेक्स्ट वाली, वो होंगी सेफ्टी नीड, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा। अब सेफ्टी किस किस में आएगी, जैसे कि अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगा कि मैं ठीक रहूं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा, जॉब के बारे में सोचेगा, मनी के बारे में सोचेगा, अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई तो। अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो नहीं हुई तो ये कहाँ प्रॉपर्टी और कहाँ मनी और कहाँ जॉब के बारे में सोच पाएगा। मेन क्या है, मेन ये फिजियोलॉजिकल नीड है जो हमारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम क्या है नेक्स्ट वाली नीड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड लेवल, क्या है, ये सेफ्टी नीड का। थर्ड हमारे पास आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, सेफ्टी नीड पूरी हो गई, उसको जॉब मिल गई, उसकी हेल्थ अच्छी है, प्रॉपर्टी के बारे में उसने सोच लिया, मनी है उसके पास, पैसा है, अब वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचेगा। और नेक्स्ट लेवल क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो क्या रिलेशन बनाना चाहेगा, फ्रेंडशिप करना चाहेगा, फैमिली बनाना चाहेगा, एक क्या है वो एक रिलेशन, एक रिश्ते बनाने के बारे में सोचेगा। अगर फर्स्ट हमारी ये पूरी नहीं होती तो हम कहाँ रिश्ते बनाने के बारे में सोचते, अगर पेट हमारा भूखा है तो हम क्या रिश्ते बनाने के बारे में सोचेंगे, नहीं, क्या हम लव के बारे में सोचेंगे, नहीं। क्या है, बेसिक नीड्स तो हमारी क्या है, ये है फिजियोलॉजिकल नीड। तो आप कंपेयर करके आप देख सकते हो कि किस तरह से जो नीड है वो लेवल वन बाय वन हम ऊपर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यही है हमारा हायरार्की ऑफ नीड यानी आवश्यकताओं का अनुक्रम, कि किस तरह से हम एक लेवल से, एक बेसिक लेवल से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड आ गया हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये हमने डिस्कस किया। अब फोर्थ है हमारे पास सेल्फ एस्टीम। अब जो फोर्थ लेवल आएगा वो आएगा सेल्फ एस्टीम का। सेल्फ एस्टीम यानी कि वो रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, स्टेटस के बारे में सोचेगा, फ्रीडम के बारे में सोचेगा,
क्यों सोचेगा जब उसके पास ये तीन नीड्स, ये जो तीन हैं, ये जो इन्हें हम डेफिशिएंसी नीड भी बोलते हैं, ये जो तीन नीड हैं इन्हें हम डेफिशिएंसी नीड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीन नीड्स अगर पूरी होंगी तभी हम रिस्पेक्ट के बारे में, स्टेटस के बारे में, दूसरों की केयर के बारे में सोच पाएंगे। सेल्फ एस्टीम, यानी कि एक सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, तभी हम इस फोर्थ लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो ये हो गए हमारे फोर लेवल की किस तरह से नीड जो है वो हमें मोटिवेट कर रही है। आपको लग रहा होगा पता, ये जो मैं लेवल आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो एक पर्सन है वो मोटिवेट हो रहा है आगे की वन बाई वन कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ और लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्म सिद्धि। यानी कि जब ये पूरी, ये जो चारों की चारों लेवल हैं ये पूरे हो गए, हमें रिस्पेक्ट मिल गई, स्टेटस मिल गया, फ्रीडम, तो आता है हमारे पास फिफ्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम वो करना चाहते हैं जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं, जैसे डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन वी, यानी कि वो हम करें जो हम कर सकते हैं। मान लो आप एक अच्छी जॉब पे हो, यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, फ्री, ये सारी पूरी हो चुकी हैं आपकी, आपकी रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, आप एक अच्छी जॉब पे हो, पर नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका पोटेंशियल कुछ और है, आप कुछ और कर सकते हो। यानी सेल्फ एस्टीम, सॉरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि जो इन सब के परे हो, जैसे होती है फ्रीडम जो फाइटर होते हैं, एक जैसे फ्रीडम फाइटर थे हमारे विक्रम बत्रा जिनका नाम आता है, क्या मतलब उन्होंने, क्या वो आत्म सिद्धि को इस वाली स्टेज में थे, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज में थे, कैसे थे उन्होंने, क्या देश के लिए अपनी जान दे दी, मतलब उन्होंने इस सब के बारे में नहीं सोचा, ये जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड थी, सेफ्टी नीड थी, लव एड बिलोंगिंगनेस थी, सेल्फ एस्टीम, इसके बारे में नहीं सोचा, वो कौन सी स्टेज में थे, वो एक हाइयर स्टेज में थे और वो स्टेज थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज, यानी कि आत्म सिद्धि की स्टेज, जिसमें क्या होता है आप सेक्रीफाइस करो, जिसमें आपके सेक्रीफाइस, बलिदान की भावना आती है, बिना कुछ मतलब ये जो अपनी नीड्स है इनको त्याग करके, ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। तो ये हमारे पास पांच स्टेजेस दी किसने, अब्राहम मैस्लो ने, जिनकी थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड। इन्होंने कैसे बताया कि कैसे नीड के अकॉर्डिंग जो है, जो कोई पर्सन है वो मोटिवेट होता है, कौन कौन सी, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो स्टेज। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मोटिवेट होते रहते हैं। ये थ्योरी थी मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो की। अब एक और थ्योरी है मोटिवेशन की, वो है हल की, क्लार्क हल की, क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें इन्होंने बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा ना मोटिवेशन साइकिल, कुछ उसी से सिमिलर है ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया हुआ है, बस इन्होंने एक वर्ड है जो नया यूज़ होगा यहाँ पे, वो है होमोस्टेसिस। क्या वर्ड है, होमोस्टेसिस, कि सबसे पहले क्या होता है, लैक ऑफ होमोस्टेसिस होता है। होमोस्टेसिस का मतलब है आप अनबैलेंस की स्टेज में होते हो। अनबैलेंस स्टेज का मतलब है अगर आप किसी जॉब में हो तो वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपकी स्टेज कौन सी है, वो अनबैलेंस की स्टेज है, आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी लैक ऑफ होमोस्टेसिस है वहाँ पे। क्या है, आप अनबैलेंस की स्टेज में हो। अगर आप अनबैलेंस की स्टेज में हो, आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, एक नीड जो है वो अराइज होगी, एक नीड आपके अंदर आएगी, एक आवश्यकता आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप अनबैलेंस की स्टेज में थे। आप क्या चाहते हो, आप बैलेंस होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इससे अच्छी कोई जॉब करूं या मैं कुछ और दूसरा काम करूं जिससे मुझे अंदर से क्या हो, सेटिस्फेक्शन मिले। तो क्या होगा,
पहले तो हो गया लैक ऑफ होमोस्टेसिस यानी अनबैलेंस की स्टेज, देन आएगी हमारे पास नीड, अब हमें आवश्यकता होगी कि हमें भाई क्या होना है, बैलेंस स्टेज में जाना है, तो क्या होगा, नीड आ जाएगी, नीड के बाद ड्राइव आएगी, ड्राइव जो आपको धक्का देगी आगे चलने के लिए, मजबूर करेगी, एक अंदर से आपकी ड्राइव आएगी, देन मोटिवेट टू एक्ट, अब आप उस काम को करने के लिए क्या मोटिवेट हो जाओगे, आप एक्ट करोगे, कुछ करोगे, आप आगे उस जॉब को छोड़ोगे या फिर कोई और दूसरी जॉब देखोगे जहाँ पे आप क्या सेटिस्फाइड हो सके, उस अकॉर्डिंग आप क्या करने, काम करने लग जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे आप एक्ट करने के लिए, देन आप कौन सी स्टेज में आ जाओगे, होमोस्टेसिस, कौन सी स्टेज में, होमोस्टेसिस स्टेज में आ जाओगे, पहले कौन सी थी, लैक ऑफ होमोस्टेसिस था, लैक ऑफ होमोस्टेसिस का मतलब बताया अनबैलेंस की स्टेज जहां पे आप बैलेंस नहीं थे, लेकिन बाद में आप क्या हो गए, होमोस्टेसिस हो गए, होमोस्टेसिस का मतलब है आप बैलेंस की स्टेज में आ गए, या तो आपने वो नौकरी छोड़ दी, या तो आपने कोई न्यू नौकरी जो है वो ज्वाइन कर ली, न्यू जॉब ज्वाइन कर ली जिसमें आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो गए, तो आप कौन सी स्टेज में आ गए, होमोस्टेसिस स्टेज में आ गए, तो ये थी क्लार्क हल की डिराइव रिडक्शन थ्योरी, आपको इस थ्योरी को भी क्या ध्यान में रखना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने दो थ्योरीज डिस्कस कर ली, पहली की हमने अब्राहम मेस्लो की जिसमें उन्होंने 5 लेवल दिए हैं और वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये हाइयर स्टेज होती है और यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो सेक्रीफाइस और बलिदान के बारे में सोच पाते हैं, बहुत कम लोग इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो कुछ कुछ किससे मैच कर रही थी आपकी मोटिवेशन साइकिल से, बस इसमें एक वर्ड आया आपके पास कौन सा, होमोस्टेसिस, और लैक ऑफ होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस की स्टेज, और होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस की स्टेज यानी इक्विलिब्रियम की स्टेज, आप बैलेंस हो गए उस जगह पर, मतलब कुछ वो काम करने के लिए आप बैलेंस वहां पे हो गए। नेक्स्ट एक थ्योरी आती है आपके पास, डेविड मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, किसकी, डेविड मैकलैंड की, वो थ्योरी है नीड्स पे, ये कौन सी, ये भी हमारी किस पे थी, नीड्स पे थी, और डेविड मैकलैंड के द्वारा जो दी गई है थ्योरी वो भी किस पे बेस्ड है, नीड्स पे, आवश्यकताओं पे, कि कौन कौन सी जो आवश्यकताएं होती हैं जिसके कारण मनुष्य, मानव, पर्सन जो है वो क्या मोटिवेट होता है, तो वो कौन कौन सी है, इन्होंने 3 फैक्टर बताए, 3 आस्पेक्ट बताए जिनसे बोला कि जो मनुष्य है, जो पर्सन है वो मोटिवेट होता है, वो कौन से हैं, फर्स्ट इन्होंने बताया नीड फॉर अचीवमेंट, किसकी, अचीवमेंट की आवश्यकता, अचीवमेंट के लिए जो आवश्यकता आती है वो किस में आएगी, वो कौन से पर्सन होंगे, ये वो पर्सन होते हैं जिन्हें चैलेंजिंग टास्क करना जो है वो अच्छा लगता है, ऐसे टास्क जिसमें कोई चैलेंज हो, जिसमें वो कोई कुछ नया सीखे, मतलब क्या, ये किस लिए वर्क करते, किस लिए मोटिवेट होते हैं, ये अंदर इंटरनल मोटिवेशन होती है इनके अंदर, ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट के लिए ये आवश्यकता है, और किन लोगों में, जो क्या चैलेंजिंग टास्क करना चाहते हैं, कुछ ऐसे काम जिनमें चैलेंज हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब है ये वो लोग होते हैं जो क्या ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, इनमें वो कंपटीशन वाली भावना नहीं होती है कि हमने इससे कॉम्पीट करना है या इससे कॉम्पीट करना है, ये क्या ग्रुप में रहकर ज़्यादा सीखते हैं, ग्रुप में रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है, ये कोऑपरेटिव वर्क करते हैं, इनको रिलेशन बनाना ज़्यादा पसंद होता है, ये फ्रेंडशिप में विश्वास रखते हैं, यानी कि ये नीड फॉर एफिलिएशन क्या है, ये वो लोग हैं जो ग्रुप में रहकर ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होते हैं अगर वो ग्रुप में रहें। नेक्स्ट है नीड फॉर पावर,
ये वो वाली नीड है, ये वो वाली आवश्यकता है, या ये उन लोगों में होती है जो क्या दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, वांट टू कंट्रोल अदर, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेंट प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ये क्या करना चाहते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, ये क्या पावर, अपनी एक पावर दिखाना चाहते हैं। तो ये थी हमारे पास डेविड मैकलैंड की थ्योरी जो नीड्स पे बेस्ड थी। मतलब इस थ्योरी में क्या बोला गया है आपको, जो टीचर है उसे क्या करना चाहिए, जो बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए या उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करना चाहिए। कैसे, जैसे अगर ये पहले हैं, पहले वाले बच्चे हों नीड फॉर अचीवमेंट, तो इन बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दो, कुछ ऐसे काम दो जिनमें उनको कुछ चैलेंज दिखे। सेकंड, अगर एफिलिएशन की बात करें तो उन बच्चों को ग्रुप में बिठा दो, यानी ये ग्रुप है ना, ग्रुप में क्या होंगे, वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ज़्यादा सीखेंगे। ऐसे वर्क दो जो मिलजुल के काम करने वाले काम हो, ऐसे उनको काम दो। या फिर नीड फॉर पावर, अगर पावर की बात करें तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जो कंट्रोल कर, मतलब उनको लीडरशिप का कोई काम दे दो, तो वो क्या करेंगे, उस काम को क्या अच्छा करेंगे, वो क्या होंगे, अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे इस काम को करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या, कौन सी आवश्यकता है, पावर की, अपना जो एक प्रभाव है वो दिखाने की, क्या है उनके अंदर एक पावर है। तो ये थी हमारे पास डेविड मैकलैंड की थ्योरी ऑफ नीड्स। कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी, अब्राहम मैस्लो की, देन हल की, क्लार्क हल की, और थर्ड हमने पढ़ी डेविड मैकलैंड की थ्योरी। फोर्थ एक और आती है McDougall, यानी McDougall की थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होते हैं हमारे पास, इंस्टिंक्ट होते हैं हमारी इनेट एबिलिटी, जो हमें क्या होती हैं, जो हमें पहले से ही मिली होती हैं, यानी कि ऐसी जो जन्मजात होती हैं हमारे अंदर, ऐसी एबिलिटी दैट डिटरमाइन द बिहेवियर, जो किसी मनुष्य के बिहेवियर को बताएं, यानी कि इनेट, जो हमारे अंदर पहले से ही होती हैं। यानी कि इस थ्योरी में क्या बोला गया, ये तो मैंने आपको बताया कि इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति आप ले सकते हो आपका स्वाभाविक स्वभाव आपका, यानी कि ऐसी प्रवृत्तियाँ, ऐसा स्वभाव जो आपके जन्मजात आपके अंदर होता है, जो आपके बिहेवियर को बताता है फिर जब नीड आती है। तो ये McDougall की जो थ्योरी है, किसकी थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, इसमें क्या बोला गया कि हाउ एंड व्हाई, क्या हाउ एंड व्हाई बी बिहेव इन स्पेसिफिक मैनर इन स्पेसिफिक सिचुएशन, हम क्यों और कैसे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वो इंस्टिंक्ट है, वो एबिलिटी है, वो इनेट एबिलिटी है जो जन्मजात हमारे अंदर है। और वो क्या होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, जब कोई उससे रिलेटेड इमोशन आता है तब वो दिखाई देती हैं। तो मेनली इन्होंने बात की 14 इंस्टिंक्ट की, कितनी 14 इंस्टिंक्ट की। ये तो पेपर में नहीं आती हैं कि ये जो इंस्टिंक्ट है वो कौन कौन से हैं और इससे रिलेटेड इमोशन कौन से हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कितनी बात की इन्होंने, 14 इंस्टिंक्ट की बात की इन्होंने, और वो कौन कौन सी हैं, वो हैं जैसे इंस्टिंक्ट मैंने यहाँ लिखा है और इससे रिलेटेड इमोशन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो इन्होंने किस किस की बात की कि इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर जन्मजात एबिलिटी होती है वो कौन सी होती हैं, और उनसे रिलेटेड जो इमोशन होते हैं, जो इनसे रिलेटेड भावनाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी कि जो हमारे अंदर जो कौन सी ऐसी, ये वाला जो इंस्टिंक्ट होता है ये हमारे अंदर जन्मजात ही होता है, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास इमोशन आता है वो होता है एंगर। कौन सा, एंगर। इसी तरह से जो ये नीचे तक मैंने लिखा है ये क्या है, ये इंस्टिंक्ट हैं और इससे रिलेटेड इमोशन है। जैसे क्यूरियोसिटी से रिलेटेड आएगा वंडर, सबमिशन से रिलेटेड आएगा नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, जो फूड सीकिंग है उससे रिलेटेड आएगा एपेटाइट, यानी आपकी जो भूख होती है, सेक्स से रिलेटेड आएगा लस्ट, देन पेरेंटल केयर से रिलेटेड आएगा आपका इमोशन। मतलब जैसे पेरेंटल केयर है तो ये हमारे पास जो इंस्टिंक्ट है, जो एबिलिटी है पेरेंटल केयर वाली, वो हमारे अंदर जन्मजात ही होती है, तो उससे रिलेटेड इमोशन क्या बाहर आते हैं, जैसे इमोशन हो गया, लव हो गया, ये क्या है, उससे रिलेटेड इमोशंस हैं ये।
फिर जैसे ये आ गया ग्रीगोरियसनेस, इसके अंदर आएगा लोनलीनेस, एस्केप आ गया, एस्केप के साथ आएगा फियर, अपील आ गया, अपील के साथ आएगा डिस्ट्रेस। इसी तरह से ये क्या है, 14 है, यहाँ पे मैंने पूरी नहीं लिखी है ये, लेकिन ये क्या है, 14 है। यहाँ ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या है, ये 14 इन्होंने क्या है, इंस्टिंक्ट दी हैं। ये किसके द्वारा दी गई हैं, MC डूगल के द्वारा, और इनकी जो थ्योरी है वो किस पे है, इंस्टिंक्ट पे है। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं वो किसकी पढ़ी हमने, मोटिवेशन की थ्योरी को हमने यहाँ पे देखा। तो मोटिवेशन की थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड के बारे में बताया है। हायरार्की ऑफ नीड मतलब आवश्यकताओं के अनुक्रम, कि आवश्यकताओं का अनुक्रम कैसे होता है। अब क्या होता है कि ये तो उन्होंने बता दिया कि एन इंडिविजुअल एंड हिज नीड्स इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, इनका क्रिटिसिज्म किस बेस पे हुआ, कि बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास अगर रोटी कपड़ा या नहीं है तो हम दूसरों की खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे। कई बार ऐसे भी पर्सन होते हैं, जो अपना पेट खाली रख के दूसरों के बारे में भी सोच लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे ये क्या अप्लाई हो, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या है, ये मैक्सिमम केस में अप्लाई होती है। लेकिन इनका क्रिटिसिज्म किस बेस पे हुआ, कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सभी लोग हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करें, कि अगर ये वाली नीड पूरी होगी देन ये वाली होगी, फिर उसके बाद ये होगी देन ये ऊपर वाली नीड्स जो हैं वो पूरी होंगी। तो ये थी हमारे पास थ्योरीज मोटिवेशन की। मोटिवेशंस में मेनली जो थ्योरीज हैं वो यही इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, और बाकी जो भी बचेंगी अगर लगेगा और इम्पोर्टेंट है तो बाकी जो आने वाली वीडियोस होगी वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगी। तो ये जो हमारी थ्योरीज थी जो हम डिस्कस कर रहे थे MC डूगल की, उसमें दो चार वर्ड्स छूट गए थे। दो चार वर्ड्स का मतलब है जो 14 इंस्टिंक्ट मैंने बताए, जो इनेट एबिलिटी बताई, उनमें जो दो चार बच गई थी वो ये हैं, जैसे सेल्फ असर्शन और पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, यानी ये वाली जो एबिलिटी होगी ये हमारे अंदर जन्मजात ही होगी, और इससे रिलेटेड जो इमोशन होगा हमारे अंदर आएगा वो आएगा पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग का। उसी तरह से ये कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, इसके रिलेटेड आएगी फीलिंग या इमोशन ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे एक्विजिशन आएगा, इसके रिलेटेड आएगा जो इमोशन है वो फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। और जो लाफ्टर है ये भी क्या होता है, इनेट एबिलिटी ही होती है हमारी, और इससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा इमोशन आता है, अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, यानी इससे रिलेटेड जो भी इमोशन आएंगे वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिए। ये थी आपके पास जो 14 इंस्टिंक्ट थे। थैंक यू।